अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुरीद हुसैन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो जी, सैमसंग इस साल भी किसी ना किसी तरीके दूसरी कंपनीज को टफ टक्कर देने के लिए तैयार है। इस साल भी सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज में काफी सारे मॉडल लॉन्च करने का सोच रहा है। इससे पहले मैं ए सीरीज के रिलेटेड दो मॉडल्स की वीडियोस बना चुका हूं, विच आर सैमसंग गैलेक्सी A21s एंड सैमसंग गैलेक्सी A31। तो इसके बाद सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज में एक और मॉडल लॉन्च करने जा रहा है, विच इज सैमसंग गैलेक्सी A41। यस, दिस इज कंफर्म। तो इस वीडियो में मैं उस फोन के रिलेटेड तमाम जो इसकी स्पेसिफिकेशन है, फीचर्स है, प्राइस वगैरह और लॉन्च डेट वगैरह कंफर्म कर दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जी, सबसे पहले इधर इनकी इंटरनल्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि सैमसंग इस साल ए सीरीज में जो इनकी इंटरनल्स है उनमें काफी मेजर चेंजिंग करने जा रहा है। एज वी नो डैट, जैसे कि मैंने पहले बताया कि सैमसंग ए सीरीज में चाइनीज ब्रांड के प्रोसेसर लाने की कोशिश कर रहा है, तो इस फोन में भी आपको चाइनीज ब्रांड का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, विच इज हीलियो P65। तो ये प्रोसेसर काफी पावरफुल प्रोसेसर चिप है और जो इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छी है। तो इसके बाद अगर वेरिएंट की बात करें तो इधर आपको 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर बैटरी डिपार्टमेंट में चले तो इधर आपको 3500mAh की बैटरी के साथ 15W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। तो इधर बैटरी जो कैपेसिटी है वो भी अकॉर्डिंग टू मी थोड़ी रखी गई है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जो है वो भी थोड़ी सी रखी गई है। एनीवे, आगे चल के इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो उधर हमें पता चल जाएगा कि ये जो फीचर्स हैं इसको कितने सूट करते हैं। इसके बाद डिजाइन और डिस्प्ले की बात करें तो इधर आपको 6.1 इंचीज का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और टॉप पे आपको इन्फिनिटी यू ना देखने को मिल जाती है। तो इधर सैमसंग ने इसकी रेजोल्यूशन पे काफी काम किया है और इधर आपको काफी अच्छे कलर देखने को मिलेंगे। तो इसका डिस्प्ले आपको 1080x2400 पिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है। इसके बाद अगर रेयर साइड की बात करें तो इधर आपको लेफ्ट कॉर्नर पे कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाएगा, विच हाउस ट्रिपल कैमरा सेटअप। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इधर आपको फ्रंट पे एज यूजुअल ग्लास प्रोटेक्शन और बैक पे प्लास्टिक प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल ये जो डिजाइन है वो काफी प्रीमियम है और काफी हद तक मुझे तो काफी अच्छा लगा है। खासकर जो इसका डिस्प्ले है वो आपको काफी अच्छी रेजोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है। तो इधर आपको तीन कलर देखने को मिल जाते हैं, व्हाइट, ब्लैक एंड ब्लू। इसके बाद अगर हम इसके रेयर कैमरा की बात करें तो इधर आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल रहा है। इसमें आपको 48MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2MP का डेप्थ कैमरा देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो इधर आपको 25MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है और इसकी रेयर कैमरा की मदद से आप 2160 पिक्सल एट 30 फ्रेम पर सेकंड से लेकर 1080 पिक्सल एट 30 फ्रेम पर सेकंड तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जो व्लॉगर्स हैं या जो वीडियोस बनाने का शौक रखते हैं इस कैमरा से फायदा उठा सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम इसकी लॉन्च डेट और प्राइस की बात करें तो ये आपको मई के महीने में मार्केट में देखने को मिल जाएगा और इसकी जो प्राइस होगी वो ऑलमोस्ट 45,000 के राउंड अबाउट होगी। और अकॉर्डिंग टू मी ये प्राइस टैग इसको काफी सूट कर रहा है, क्योंकि इसमें आपको एक अच्छा कैमरा, एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। नो डाउट इधर जो इसकी बैटरी कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम रखी गई है और जो इसका डिजाइन है वो भी काफी प्रीमियम है। तो ओवरऑल ये जो डिवाइस है काफी अच्छी होगी और मिड रेंज सेगमेंट में दूसरी डिवाइसेस को काफी टफ कंपटीशन देने वाली है। एनीवेज, लॉन्च डेट के बाद देखते हैं कि ये हमें डिवाइस किस तरह मिलती है और इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो कितनी अच्छी होती है। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सो इट वॉज ऑल फॉर माई साइड, थैंक यू, टेक केयर।